नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेटर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या पर कॉफी विद करण में विवादित बयान देने की वजह से बैन लग गया था। दोनों ही खिलाड़ियों ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोली थी, जिसके चलते इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके खिलाफ बीसीसीआई ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। चूंकि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ओम्बुड्समैन को देनी थी और सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटमेंट मांगी गई थी, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी की अगली तारीख दी है, जिसमें शायद वो ओम्बुड्समैन का नाम बताएं, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में बीसीसीआई ने अचानक से ये कहा है कि जब तक ओम्बुड्समैन के नाम की घोषणा नहीं होती, तब तक के लिए हम दोनों खिलाड़ी के ऊपर से प्रोविजनली सस्पेंशन हटा रहे हैं। प्रोविजनली मतलब कि ये सस्पेंशन हटाना कुछ दिन का ही होगा। इन पर पूरी तरह से फैसला ओम्बुड्समैन संबंधित कार्यवाही पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोबारा भारत के लिए खेल सकते हैं, जब तक इंक्वायरी दोबारा से शुरू नहीं होती। हार्दिक पांड्या को इंडियन टीम के साथ मैच खेलने न्यूजीलैंड बुला लिया गया है। दोनों ही खिलाड़ियों को 11 जनवरी को बैन किया गया था और दोनों को ऑस्ट्रेलिया दौरे से बीच में ही बुला लिया गया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बैन होने के बाद इंडियन टीम ने अभी तक 4 वनडे मैच खेले हैं। पहले 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 1 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया। हार्दिक पांड्या टीम के लिए मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, वहीं केएल राहुल भारतीय एक दिवसीय टीम में जगह बनाने के लिए जूझ रहे हैं। दोनों के ऊपर से बैन हटने के बाद दोनों चैन की सांस ले रहे होंगे। इंडिया वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है और भारत को तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर की जरूरत भी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें और ट्रेंडिंग वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें वायरल वीडियो वाइंस।